नमस्कार दोस्तों, आप ये जो स्टेटर देख रहे हैं ये एग्जास्ट फैन का स्टेटर है। ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं ये 36 स्लॉट हैं और ये 1440 आरपीएम में है। इसके ऊपर जो प्लेट लगी हुई है ये आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये कूलर मोटर है, स्वीप इसका 425 mm है और इसका जो करंट है वो 0.75 एम्पेयर है और ये आरपीएम लिखी हुई यहाँ पर। इसकी स्पीड है जो 1400 और इसमें जो कैपेसिटर लगेगा वो 8 MFD का है। इसका जो इनर डाया है वो 3 इंच का है और जिसका आउटर डाया जो है, इसका जो आउटर डाया है वो 5.5 इंच का है और इसकी जो स्टैम्पिंग साइज है वो 1 इंच 2 सूत के लगभग है। और ये जो आप क्वाइलें देख रहे हैं ये 4 क्वाइलें हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 28 नंबर है और इसकी जो क्वाइल की गोलाई है वो 42 इंच की है और इसमें जो टर्न है वो 80 टर्न है। और ये जो आप क्वाइलें देख रहे हैं ये स्टार्टिंग की क्वाइलें हैं, ये भी 4 हैं, 1, 2, 3, 4। और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 29 नंबर है, अंदर जो टर्न है वो 100 टर्न है और क्वाइल की जो गोलाई है वो 34 इंच की है। दोस्तों ये जो रनिंग की क्वाइलें हैं और स्टार्टिंग क्वाइलें उनका वेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये 0 आया हुआ है। अब इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। ये देखो 337 ग्राम इसका वेट है रनिंग कॉइल का। और ये जो स्टार्टिंग की कॉइल हैं इनका जो वेट है इनका वेट है 296 ग्राम। ये जो रनिंग की कॉइल है इसमें से ये जो कॉइल है जो सबसे पहले बनाई थी, इसको मैं उठाता हूँ और इसको ऐसे उठाकर ये जो इनर वायर है ये इस साइड में हो गया ऊपर की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ। इसको ऐसे डालना है, ऐसे इसको ऐसे करके इसके बीच में डालना है स्टेटर के बीच में। और ये जो इसका इनर वायर है ये ऊपर की तरफ आ गया है और इसमें किसी भी स्लॉट में इसको मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद इसमें आप सिर्फ एक ही राउंड डालोगे और ये कटिंग किए हुए पेपर मैंने पहले काट के रखे हैं, इनको इसके ऊपर लगा देना है। इसके अंदर एक ही राउंड डालना है और यहाँ अब दूसरी साइड में डालना है इसको, 3 छोड़कर, 1, 2, 3 इसके अंदर यानी 1 से 5 में। ये इसके अंदर मैंने डाली है ये 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 में ये एक राउंड डालना है। अब इसको ऐसे खींच लेना इस साइड में। ये इसका जो इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है और ये जो ये इसका आउटर वायर है वो नीचे की तरफ है जो कि ये जो क्वाइलें रखी हुई हैं इनसे जुड़ा हुआ है। अब इसको डालना है इससे आगे वाली स्लॉट, इसके अंदर और इसके अंदर यानी कि 1 से 7 में। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 1 से 7 इसके अंदर, यानी कि आगे जो भी आप कॉइल डालते रहोगे बराबर बराबर स्लॉट के बराबर बराबर डालते रहेंगे। अब इससे आगे वाली जो स्लॉट में डालना है वो ऐसे डालना है, इसको ऐसे घुमा लेना कॉइल को, ऐसे ऐसे घुमाकर और स्लॉट के बीच में डालना है ऐसे। अब इसके अंदर इसको डाल देना इसकी बराबर वाली स्लॉट में। एक साइड में ये एक बार डल गया और इस साइड में भी इसको एक बार इस साइड में डाल देते हैं। ये देखो एक एक बार इसके अंदर डल चुका है। अब इसके अंदर एक बार और डालना है ऐसे घुमाकर, ऐसे घुमाओ और इसके अंदर एक बार और डाल दो।
अब इसके ऊपर पेपर लगा देना है। यानी 1 से 7 में 2 राउंड डालने हैं। अब डालना है इसे आगे वाली इस स्लॉट के अंदर और इस स्लॉट के अंदर, यानी 1 से 9 में। यानी कि इसके अंदर डालोगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 में 2 राउंड डालने हैं, ऐसे ही जैसे ये डाले थे ऐसे ही। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है, ये ऊपर वाली स्लॉट में डालना है और नीचे वाली ये स्लॉट में डालना है। क्वाइल को ऐसे एडजस्ट भी कर लेना है और ये जो बचा हुआ क्वाइल है इसको ऐसे घुमाकर ऐसे और इसके अंदर डालना है। यानी कि इसके अंदर 1 से 9 के अंदर 2 राउंड डालने हैं। और इसके ऊपर पेपर लगा देना है। पेपर का जो साइज है वो इतना ही काटना है जितने कि नीचे वाले पेपर हैं, ज्यादा लंबे नहीं रखने हैं। ये पहली क्वाइल डल चुकी है, अब ये बाकी बची हुई जो 3 क्वाइलें हैं ये भी इसी प्रकार डालनी है। ये रनिंग की सभी क्वाइलें डल चुकी हैं। इसका जो सिरा निकला है वो जो इनर वायर है ऊपर की तरफ निकला है और जो आउटर वायर है वो भी ऊपर की तरफ निकला है, यानी कि राइट हैंड की तरफ, ये भी राइट हैंड की तरफ निकला है। और ये स्टार्टिंग की क्वाइल है, ये आपको डालकर दिखाता हूँ। स्टार्टिंग की क्वाइल को डालना है रनिंग की ये जो दोनों क्वाइलें हैं इनके बीच में, ये जो स्लॉट है इसके अंदर और ये पहली वाली जो स्लॉट है इसके अंदर, जिसके अंदर 1 राउंड आया था बीच में, 1, 2, 3, 4, ये 4 खाली छोड़ देने हैं इसके अंदर। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी कि 1 से 6 में डालना है इसको। 1 से 6 में ये 1 राउंड डालना है, 1 से 8 में ये 2 राउंड डालने हैं, ये 1 से 10 में 1 राउंड डालना है। ये जो क्वाइल है स्टार्टिंग की इसको लेना है, ये जो पहली क्वाइल है इसको उठाना है पहले, जिसका ये सिरा है, यानी जो पहले क्वाइल बनाई थी वो, इसको ऐसे लेना है। इसको लेके क्वाइल को थोड़ा सा ऐसे दबा देना नीचे की तरफ ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए, ये जो स्टेटर है इसके बीच में आ जाए। इसको ऐसे डालना है इसके बीच में, ये जो सिरा है इसका इनर वायर ये ऊपर की तरफ रखना है इसको और इसके बीच में इसको डालना है। ये जो रनिंग की जो पहली क्वाइल है ये यहाँ पे जिसमें 1 राउंड डाला गया था उसके अंदर इसको डालना है ऐसे। ये जो पेपर लगाया है इसको नहीं निकालना है, इसको इसके अंदर ही रहने देना है, ये इसके अंदर इसको डालना है। इसके अंदर डालने के बाद इसके ऊपर पेपर लगा देना है क्योंकि इसके अंदर 1 ही राउंड डालना है। और फिर इस साइड में डालना है इसको, 1, 2, 3, 4 इसके अंदर, इसके अंदर भी 1 राउंड डाल देना है और पेपर लगा देना है। ये जो रनिंग की क्वाइल है बीच में, ये ऊपर भी रनिंग की क्वाइल है नीचे भी रनिंग की क्वाइल है, इन दोनों के बीच में इसको डालना है 1, 2, 3, 4, 4 बीच में छोड़कर 1 से 6 में 1 राउंड डालना है। इसका जो ये सिरा है इनर वायर ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये इस साइड में राइट हैंड हो गया, राइट हैंड की तरफ। अब क्वाइल को थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे खींच लेना है ताकि ये छोटी ना रहे। फिर इसको ऐसे घुमाकर 1 राउंड इसके अंदर डालना है, इससे आगे वाली स्लॉट में इसके अंदर, और क्वाइल को ऐसे खींचकर एडजस्ट कर लेना है और ऊपर वाली स्लॉट के अंदर भी डालना है इसको ऐसे। इसके अंदर पेपर नहीं लगाना अभी क्योंकि इसके अंदर 1 राउंड और डालना है। फिर उसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमाकर 1 राउंड और डालना है। इसके अंदर 2 राउंड हो गए हैं, अब इसके अंदर पेपर लगा देना है।
ऊपर वाली स्लॉट में भी एक राउंड और डालना है, यानी कि एक राउंड पहले डल चुका है, अब एक और डालना है, तो इसमें दो राउंड हो जाएंगे। अब ये जो क्वाइल इतनी लंबी बची हुई है, ये जो धागा यहाँ पे बांधा है, आप चाहें तो तार भी बांध सकते हो, मैंने धागा बांधा है, इसको खोल देना है। ये आउटर वायर है जो कि नीचे की तरफ आया है, इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है। इस क्वाइल का जो इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है, आउटर वायर ये नीचे की तरफ है, जो कि ये जो क्वाइलें रखी हुई हैं इनके ऊपर जुड़ा हुआ है। अब ये जो लंबी क्वाइल बची हुई है इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमाकर इसके बीच में ऐसे डालना है। ये जो इससे ऊपर वाली जो स्लॉट है इसके अंदर एक राउंड डालना है। अब इसके अंदर पेपर लगा देना है क्योंकि इसके अंदर एक ही राउंड डालना है। और नीचे वाली जो स्लॉट है ये इसके अंदर भी इसको डालना है। अब इसके अंदर भी पेपर लगा देना है, इसके अंदर एक ही राउंड आएगा, यानी कि स्टार्टिंग की जो पिच है, ये जो पिच है 1 से 6 में एक राउंड, और 1 से 8 में दो राउंड, और 1 से 10 में एक राउंड। दोस्तों ये रनिंग और स्टार्टिंग मैंने डाल दी है। और दोस्तों इस चैनल पे आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।